प्रकार की घटना घटी है भोपाल में, वो लगातार पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, पुलिस प्रशासन से आम आदमी तो डरता है पर अपराधियों में जो खौफ पुलिस का होना चाहिए, जिस प्रकार की स्थिति होना चाहिए, अपराधी अपराध लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और जिस प्रकार की ये घटना है, कहीं ना कहीं ये समझ में सीधा आता है कि अपराधियों के हौसले मध्य प्रदेश में कितने बुलंद है। चाहे वहाँ पर नरसिंहपुर की घटना की बात करो, चाहे भोपाल में मेरागढ़ के कुछ पहले की एक घटना और सुंदर में लगातार आ रही, लगातार शासन प्रशासन पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण देने की कोशिश कई लोग करते हैं। स्पष्ट है सीधी कार्रवाई होना चाहिए, जो जो भी जिस प्रकार के दोषी जिन्होंने लेट लतीफी करी, शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री को खुद को यहाँ पे आके बात करनी चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति आया है, क्योंकि जब लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने से मध्य प्रदेश जो पहले भी बलात्कार में नंबर एक था, लगातार इसी ओर वापस इनकी दूसरी बार सरकार आने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद है। जो पीड़ित लोग हैं, जो आम जनता है, उनमें पुलिस का खौफ जरूर है पर अपराधियों के अंदर खौफ पुलिस का। उन्होंने जो जो बात कही, मैंने DI साहब से भी बात करी है कि इस प्रकार से एक बार और बयान पूरे लिए जाए और जिस भी स्थिति परिस्थिति में सही बयान को कोड करके कहीं ना कहीं सही चीज़ों को रखा जाए। और सीधी बात है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य कराया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे की आगे आके इस तरह की चीज़ों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे और सीधी ज़्यादा स्पष्ट रूप से तेजी से बड़ी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर करना। देखिए, हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, हर स्तर के ऊपर इनसे मदद भी करेगी, हर स्तर के ऊपर इनके लिए तैयार भी बैठे। आगे की बातें उनसे परिवार से भी हमें मिले, बाकी बातें सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि इस पीड़ित परिवार को सब चीज़ों से मदद करी जाए, ताकि कहीं ना कहीं इनको भी संबल मिले, क्योंकि एक पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब परिवार है।